हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो फायर पैनल है उसमें हम लोग ड्रेसिंग कैसे करते हैं, जो लूप का जो केबल आता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैनल ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है, आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे है जो हमने पूरा फेरुल लगाया है इन और आउट करके, और आपको दिख रहा होगा आउट, जैसे ये लूप फोर का आउट है, लूप टू का आउट है ऐसे ही। और जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लूप थ्री इन, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो केबल का जो है फिनिशिंग, आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लूप वन, लूप टू, लूप थ्री इन आउट करके ऐसे यहाँ पे। ये जो पैनल है दोस्तों, ये आठ लूप का पैनल है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी इसमें हम लोग पांच लूप कर रहे हैं। जैसे हमारा ये चार केबल है, यहाँ पे ये चार केबल जो आपको दिख रहा है, एक ये चार केबल है जो लूप इन और आउट का है। जैसे लूप वन का है, लूप टू का है, लूप थ्री का है, लूप फोर का है, लूप फाइव का है। और ऐसे ही हमने सारे में फेरुल लगा दिया है आपको फेरुल। और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स हमने लगाया है, आप देख सकते हैं जो बॉक्स लगाया है, यहाँ पे फॉल्ट आइसोलेटर हमको लगाना है। तो फॉल्ट आइसोलेटर लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो देख सकते हैं यहाँ पे है जो लूपिंग वाला, जो बाहर से जो फील्ड से केबल आया है, ये सब फील्ड से केबल आके हमने ये बॉक्स में इंटर कर दिया है। और ये जो पैनल से केबल निकलेगा वो सारे बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारा टोटल पाँच लूप का केबल है इन और आउट का, तो टोटल दस केबल है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल दस केबल है। इसमें जो हमने यहाँ पे जो फेरुल किया है, जैसे अभी आपको दिखाते हैं, एक ये देख सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ये एल वन इन का है। तो ये क्या है, पैनल से हमने ये बाहर केबल निकाल दिया है। और ऐसे ही आपको जैसे ये देख सकते हैं एल टू का इन है, और आपको दिखाते हैं जैसे एल वन का ये आउट है। तो इसके हिसाब से हमने टोटल पांच लूप का इन और आउट करके सारे में फेरुल लगा दिया है। और इसमें हमने जितना भी बॉक्स लगाया है ये फॉल्ट आइसोलेटर का है। जैसे हमारा, जैसे ये एक दो, ये हमारे लूप वन का है, लूप टू का है, लूप थ्री का, लूप फोर का, लूप फाइव का, इसमें सारे में फॉल्ट आइसोलेटर लगाना है। और जो दो बॉक्स हमने दोस्तों लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बीम डिटेक्टर है। तो उसके लिए हमने जो दो बीम डिटेक्टर से जो पावर का, एक्सटर्नल पावर का है, उसके लिए हमने स्पेशल ये दो केबल लाया है पावर के लिए, एक्सटर्नल पावर के लिए। बाकी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हूटर का पावर के लिए है ये केबल, और बाकी ऊपर हूटर का पावर रहेगा। हमने हूटर के लिए यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है, जो ये ऑक्स आउटपुट जो रहता है 24 वोल्ट का, हमको यहाँ से आउटपुट ले जाके और हम उस बॉक्स में दे देंगे, और वहाँ से फिर हूटर के लिए जो आउटपुट रहेगा उसमें सप्लाई के लिए दे देंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बैटरी के लिए भी पॉइंट है, बैटरी अभी डाले नहीं है। और जब ये वीडियो फिनिश करेंगे तो आपको पार्ट टू में और भी सारा इशू मिलेगा आपको, कि फॉल्ट आइसोलेटर वगैरह कैसे लगता है, वो सब आपको दिखाएंगे। बाकी क्या है दोस्तों, कुछ केबल है जो उधर से आया है, और जो बाकी केबल है वो हमारा देख सकते हैं इधर से आ रहा है। हमने इसको अभी फिनिश कर दिया है, लेकिन अभी इसको इंटर नहीं किए हैं। इंटर करने के बाद आपको और दिखाते हैं। अभी देख लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जितना भी केबल था उसको हमने रिसीव कर लिया है टोटल। और टोटल रिसीव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पे, जैसे ये हमारा जो है लूप थ्री का सप्लाई है, ये हमारा फील्ड से आ रहा है, और ये रिटर्न है। ऐसे ही हमने यहाँ पर देख लीजिए जो फेरुल है, फेरुल पे इनर आउट का मार्किंग किया हुआ है सारा लूप का। ये देख सकते हैं चार चार केबल लाया है यहाँ पे इन और आउट, और दो फील्ड से आया इन और आउट का। यहाँ पे जैसे ये इन का फॉल्ट आइसोलेटर लगेगा, तो यहाँ पे और आउट का फॉल्ट आइसोलेटर लगेगा। तो उस हिसाब से हमने पूरा यहाँ पे फिनिश कर दिया है। आप देख सकते हैं सारा टोटल केबल है जो आ गया अभी। और इसके बाद हम इसमें मॉड्यूल्स लगाएंगे, और मॉड्यूल्स लगाने के बाद इसको पैनल को ऑन करेंगे। ये देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर जो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।